भीलवाड़ा के पुलिस प्रशासन सहित अधिकांश विभागों में गुरुवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब जिंदल शाह लिमिटेड परिसर में माइंस ढहने की सूचना मिली। अफरा तफरी के बीच इन अधिकारियों में से कोई सबसे पहले तो कोई आखिरी में मौके पर पहुंचा। बाद में इन्हें यह सब पता चला कि ये माइंस की आंतरिक सुरक्षा को परखने के लिए की गई मॉक ड्रिल थी, तो राहत की सांस ली। पुलिस सूत्रों के अनुसार गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे जिला कलेक्टर आशीष मोदी व पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू को सूचना मिली कि जिंदल शाह लिमिटेड परिसर में स्थित माइंस ढह गई। इस सूचना के बाद कंट्रोल रूम को से अवगत करवाया गया। कंट्रोल रूम में जिम्मेदार सभी विभागों को सूचना दी। इसके चलते इन विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचने शुरू हो गए। वहां पहुंचने पर इन्हें मॉक ड्रिल का पता चला, तब सभी ने राहत की सांस ली। मौके पर कलेक्टर आशीष मोदी, एडीएम प्रशासन डॉक्टर राजेश गोयल, जिला पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू, एसडीएम ओम प्रभा, एएसपी शाहपुरा चंचल मिश्रा, एएसपी एचक्यू जेएसटी मैत्री, डीएसपी नरेंद्र दायमा, जिंदल सॉकिलाइजिंग हेड राजेंद्र गौड़, माइनिंग हेड दिनेश चंद्र पाटिल, राजेंद्र अग्निहोत्री, सीएमएचओ मुश्ताक खान सहित पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। जिला पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू ने कहा कि पूरा थाना सर्किल के जिंदल शाह लिमिटेड में आंतरिक सुरक्षा सर्वे के तहत मॉक ड्रिल करवाई गई है। मौके पर पहुंचे सभी टीमों को रिस्पांस टाइम नोट किया गया, प्लॉट की क्या क्या तैयारियां थी उनको जांचा परखा गया। इस दौरान हमारे संज्ञान में कुछ कमियां भी आई जिसको नोट किया गया है, इन कमियों को दूर करवाया जाएगा। जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने कहा कि जिंदल शाह लिमिटेड में मॉक ड्रिल की गई। प्रशासन की ओर से हर साल इस तरह की मॉक ड्रिल करवाई जाती है। जिले में काफी संख्या में माइंस है और कभी भी ऐसे हादसे हो सकते हैं। इन हादसों को लेकर प्रशासन व संबंधित विभाग कितने सजग है इसे मॉक ड्रिल से पता चलता है। साथ ही इससे टीमों के कार्य करने की गुणवत्ता के बारे में पता चलता है। प्लाट की एम्बुलेंस में कुछ कमी थी, इसके लिए निर्देशित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि प्लाट में प्राथमिक उपचार के लिए एम्बुलेंस, डॉक्टर और डिस्पेंसरी है। एम्बुलेंस में स्टाफ और लगाने की जरूरत है। आज इंटरनल सिक्योरिटी एक्सरसाइज के तहत जिंदल शाह की माइंस के अंदर एक्सरसाइज किया गया, जहाँ पर इसके अंदर जो भी सिक्योरिटी इंतजाम हैं, फायर ब्रिगेड है, एम्बुलेंस है, इन सब की व्यवस्थाओं को देखा गया और हमारी टीम से उनके रिस्पांस टाइम को देखा गया। इस एक्सरसाइज का उद्देश्य ये है कि यदि कोई कैलामिटी होती है, कोई भी ऐसा डिज़ास्टर होता है, तो उसमें हमारी टीम को प्रोटोकॉल, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो होता है उसको पालन करने में सुविधा हो, उसकी मॉक ड्रिल हो चुकी होती है, तो जो समय है, जो गोल्डन आवर है, उसमें एफिशिएंटली काम किया जा सकता है। ज़्यादातर व्यवस्थाएं माकूल पाई गई, कुछ व्यवस्थाओं में कमी थी, मसलन एम्बुलेंस में कुछ कमी थी, तो उसके लिए रिस्ट्रक्ट कर दिया गया और इसकी कंप्लेंस कंप्लेंट भी लेकर प्राथमिक उपचार के तौर पर यहाँ पर क्या व्यवस्था है? प्राथमिक उपचार के लिए यहाँ पर एम्बुलेंस की व्यवस्था है, एक डिस्पेंसरी अवेलेबल है और डॉक्टर्स अवेलेबल है। उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होने की ज़रूरत है, एम्बुलेंस में स्टाफ और लगाने की ज़रूरत है। इसके लिए कंपनी के अधिकारियों को मौके पर निर्देशित किया गया है, लिखित में भी पाबंद कर दिया जाएगा एंड 15 डेज में हम कंप्लायंस ले लेंगे। आज थाना क्षेत्रपुर में आंतरिक सुरक्षा सर्वे के तहत मॉक ड्रिल कराई गई, जिसके अंदर माइन कोलैप्स का सिनेरियो क्रिएट किया गया था। उसमें जो भी डिपार्टमेंट्स थे उनको रिस्पॉन्ड करना था, उनका सबका रिस्पांस टाइम नोट किया गया है। यहाँ पर प्लांट की क्या क्या तैयारियाँ थी, फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तहत, फर्स्ट एड के तहत, जो फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और जो तैयारियाँ इनको करनी थी उनको जांचा परखा गया है। कुछ चीज़ें हमारे संज्ञान में आई हैं, कुछ कमियाँ आई हैं, जिनको नोट करके, सूचित करके उसको दुरुस्त कराया जाएगा और कुछ लर्निंग लेसन मिले हैं जिसको आगे हम और इसको और बेहतर तरीके से कराएंगे।